2019 के चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के नेताओं को प्रमुख जगह दी है। उन्हीं में से एक नाम दिनेश खटीक का भी है। बता दें कि दिनेश खटीक पिछले कार्यकाल में भी प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे। इस दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश खटीक ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की। दिनेश खटीक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कल इन्होंने भी शपथ ली है और एक नई जिम्मेदारी इनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब रखी गई है। सर, अब कैसे आगे की रणनीति तय होगी, क्या रोड मैप तैयार किया हुआ है और पिछले 5 सालों में जिन कामों पर आप लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, आने वाले 5 सालों में उन कामों को और कैसे प्रगति देंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा फैसला कल सरकार बनने के बाद आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है कि हमारे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन और तेल, चीनी, नमक ये फ्री में दिया जाएगा 3 महीने तक। ये सबसे बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। अच्छा, बात करी जाए उत्तर प्रदेश की इस बार के नतीजों की, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बदलाव आए हैं। आप लोगों की भी जो सीटें थी वो कम हुई और विपक्ष इस बार थोड़ा मजबूत हुआ है। कहीं लगता है कि इस बार काम करने में विपक्ष अड़ंगा डालेगा, समस्याएं हो सकती हैं, या फिर आप लोग अपने पथ पर उसी तरह से चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे 5 साल और विकास के लिए काम करें? कोई समस्या नहीं है। 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में ये जनता ने साफ कर दिया है, केवल मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत लहर है और ये आगे भी निरंतर चलती रहेगी। से बात करने के लिए तो साफ तौर पर कहना है इनका कि 5 साल भी हमने बेहतर ही काम किया था और इस आने वाले 5 साल में भी हम उत्तर प्रदेश सरकार के नीतियों के तहत जनता के विकास का ही काम करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी।